तो हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि 2 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 3 और 4 फरवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार है। हालांकि मैदानी इलाकों में 3 और 4 फरवरी को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार की अगर बात की जाए तो राजधानी शिमला समेत प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। शुक्रवार को ऊना में सबसे ज्यादा तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और केलांग में सबसे कम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आपको बता दें कि लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने पर्यटकों को अटल रोहतांग टनल के नॉर्थ पोर्टल से सिस्सु तक आने की अनुमति दी है, लेकिन कुल्लू प्रशासन अभी सैलानियों को सोलांग नाला से आगे नहीं भेजेगा। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अटल टनल के साउथ पोर्टल और धुंधी के बीच सासे में 2 से 3 दिन तक हिमस्खलन की चेतावनी के बीच ये फैसला किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 3 से 4 फरवरी के बीच, 3 और 4 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट बदल सकता है। यानी कि मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि ऊंचाई वाले इलाकों जैसे कि चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार है। मौसम विभाग की तरफ से ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि कांगड़ा के ऊंचाई वाले इलाके जैसे कि धौलाधार रेंजेस और शिवालिक रेंजेस में भी बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि 3 और 4 फरवरी को जो मैदानी इलाके हैं, जो कि प्लेन एरियाज है, वहाँ पर मौसम सामान्य बने रहेगा और मौसम वहाँ पर साफ रहेगा। तो इसी के साथ साथ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो यानी कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से जो जनजातीय जिले हैं और ऊंचाई वाले इलाके जहां पर बर्फबारी होती है, वहां पर मौसम एक बार फिर से करवट बदल सकता है। यानी कि अब लोगों की मुश्किलें कहीं ना कहीं एक बार फिर से बढ़ सकती है। ऐसे में हम आपको राजधानी शिमला से आई तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी की अगर बात की जाए तो रिज मैदान और जो चर्च इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां पर मौसम साफ है, धूप निकली हुई है। तो इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शर्मा जुड़ चुके हैं शिमला से। तो विकास, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार है, ऐसे में राजधानी शिमला का इस वक्त मौसम कैसा है? विकास, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए विकास से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने वाला है। इसी के चलते हम आपको राजधानी शिमला से आई तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मौसम साफ है और धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि अभी तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन 3 और 4 फरवरी को तो हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास जुड़े हैं। विकास, राजधानी शिमला में इस वक्त मौसम कैसा है? बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि दिन में मौसम खराब होगा, लेकिन बादल छट चुके हैं और ऐसे में गुनगुनी धूप जो है, अब लोग उसका आनंद। और शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर यह वीकेंड का मौका है और ऐसे में अब जो सैलानी हैं वो होटलों से बाहर निकले हैं और अपनी दिनचर्या के हिसाब से अब घूमने का क्रम जो है बहुत से लोगों ने बनाया है। पूरा रिज मैदान जो है खचाखच पर्यटकों से यहाँ पर भरा हुआ है। यही नहीं, शिमला का जो तापमान है उसमें भी काफी बढ़ोतरी जो है वो पिछले कुछ दिनों में दर्ज की गई है। आज की अगर बात करें तो 2 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान शिमला का बना हुआ है। तो ऐसे में काफी सुहावना मौसम शिमला का इस समय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 2 तारीख तक अभी कोई आसार जो है वो बादलों के या बर्फबारी के नहीं बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है महिमा वो एक यहाँ पर अब सक्रिय होगा हिमाचल प्रदेश में, जिसका असर जो है 2 तारीख की शाम से दिखना शुरू हो जाएगा। 3 तारीख को बहुत सी ऐसी जगहें रहेंगी हिमाचल प्रदेश की जहां पर बारिश, बर्फबारी या फिर तेज हवाएं चलेंगी, बिजली के साथ गर्जन जो है वो भी नजर आएगी। कुल मिलाकर राज्य में अभी मौसम जो है, क्योंकि हमने ये देखा पिछले लंबे समय से ड्राई स्पेल चल रहा है, बर्फबारी जो है वो ना के बराबर ही इस बार हुई है। जनवरी का ऐसा पहला मौका है जब पहाड़ों की रानी शिमला में पहली बार ऐसा हुआ कि जनवरी के महीने में करीब करीब 15 साल के बाद जो है वो कोई बर्फबारी जो है वो नहीं हुई, बारिश जो है वो भी नहीं हुई। तो ऐसे में एक रिकॉर्ड जो है ये माना जा रहा है। दूसरी तरफ अब
जो फरवरी है, फरवरी की शुरुआत में पहले हफ्ते में ही अब अगर बर्फबारी हो जाए तो स्वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं बन जाएगा पर्यटकों के लिए भी, स्थानीय लोगों के लिए भी। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो चटक धूप जो है वो अब निकल चुकी है। सुबह के समय जिस तरह से बादल छाए हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि दिन में मौसम जो है वो करवट बदल सकता है, लेकिन मौसम विभाग ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब विकास पर्यटकों के लिए प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट या एडवाइजरी जारी की गई है क्या? निश्चित रूप से देखिए, जब मौसम बिगड़ता है तो उसके लिए पहले ही अलर्ट जो है वो जारी किया जाता है और अलर्ट सीधा जिला प्रशासनों को भेजा जाता है। ऊंचाई वाले इलाकों में 3 तारीख को भारी बर्फबारी जो है वो एक बार फिर से होने का अनुमान है, लेकिन जो मध्यवर्ती और निचले इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी ना के बराबर ही होगी। मौसम विभाग का ये कहना है कि जो जिला प्रशासन जो है उनको ये अलर्ट भेजा जाता है और इसमें तैयारी जो है वो पूरी रखनी पड़ती है और ये बताना पड़ता है कि क्या तैयारियां जो है वो किस तरह से की जानी है। अगर कोई हालात बद से बदतर होते हैं तो तैयारियां जो है वो किस तरह की करी जानी है। हालांकि अगर बात शिमला और शिमला समेत जो ऊपरी इलाके जो हैं, जो एनएच हैं, सबसे पहले इनको क्लियर करने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अगर भारी बर्फबारी किसी तरह से होती है तो पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, पानी जो आईपीएच के विभाग है, इन तमाम विभागों को पहले से ही अलर्ट पर रखा जाता है और कहा जाता है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत भारी बर्फबारी के। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई कि हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है और 3-4 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश होने की और बर्फबारी होने की संभावना जारी की गई।